नमस्कार, मैं गौरी आप सभी का स्वागत करती हूं। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, एक बार फिर पीएम मोदी अपने कार्यभार संभाल चुके हैं, लेकिन इस बार जीत की वो खुशी नजर नहीं आई जो पिछले दो लोकसभा चुनाव में भाजपा और खुद पीएम मोदी के चेहरे पर थी। वजह साफ है, 2014 के बाद पहली बार विपक्ष भाजपा पर हावी होता नजर आया। इस बार जिस मजबूती से विपक्ष ने चुनाव लड़ा वो न केवल हैरान करने वाला है बल्कि सत्ता पक्ष के लिए एक सबक भी है। इंडिया गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में कमाल किया, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए अब इस गठबंधन के दो प्रमुख दल यानी कि कांग्रेस और सपा और भी तेजी में दिख रही हैं। यूपी में कांग्रेस और सपा के कमाल ने आगे की रणनीति पर अभी से काम करने के लिए मजबूर कर दिया है। जी हां, अभी चुनाव खत्म जरूर हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस और सपा ने 2027 विधानसभा चुनावों के लिए तैयारी शुरू कर दी है। देखिए रिपोर्ट। इस बार लोकसभा चुनाव में यूपी के दो लड़कों की कहानी ने कमाल कर दिया है। दो शहजादों ने भाजपा को कड़ी टक्कर दी है और इसके बाद अब विपक्ष अपने अंदर एक ऊर्जा का संचार कर चुका है। इसलिए एक चुनाव खत्म होते ही दूसरे चुनाव की ओर बढ़ चला है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के पीडीए पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक के नारे का जादू ऐसा चला कि सपा ने 37 सीटें जीत कर इतिहास रच दिया। सपा न सिर्फ यूपी की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है बल्कि भाजपा कांग्रेस के बाद देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। सपा पीडीए के इस जोश को आगामी विधानसभा चुनाव में भी धार देने की तैयारी में जुट गई है। समाजवादी पार्टी की नज़र आगामी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर लगी हुई है। लोकसभा में पीडीए की सफलता के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इस प्रयोग को अब अगले चुनाव में आजमाने की तैयारी कर रही है। खबरों के मुताबिक अखिलेश यादव ने संविधान, लोकतंत्र और समानता जैसे मुद्दों पर लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेरने की रणनीति तैयार की है। तो दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में परिणाम से उत्साहित कांग्रेस की जनता के बीच पहुंचने की तैयारी है। मकसद, अपने नेता राहुल गांधी के रास्ते पर कदम डाल कर यूपी में 2027 का सियासी सफर तय करने का पार्टी का प्लान है। इसके लिए कांग्रेस 11 से 15 जून तक यूपी की सभी 403 सीटों पर धन्यवाद यात्रा निकाल रही है। हर जिले में संगठन पर जिम्मा सौंपा है कि वो अपने हिसाब से विधानसभा क्षेत्र वार यात्रा निकालने का रूट तय करें। कांग्रेस का मानना है कि अगर अभी से यूपी में मेहनत की जाए तो चार दशक से सत्ता से बाहर पार्टी की 2027 तक सियासी तस्वीर अलग होगी। राहुल गांधी की राह पर यात्रा निकालने का क्रम 2027 तक चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगा। पार्टी को लोकसभा चुनाव में जारी घोषणा पत्र में शामिल 5 सूत्री कार्यक्रम और 25 गारंटियों को जनता को बारीकी से समझाया जाएगा। देखा जाए तो इस बार लोकसभा चुनाव में देश को कुछ मिला हो या ना मिला हो, लेकिन इस बार एक मजबूत विपक्ष जरूर मिला है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है विपक्ष। किसी भी लोकतंत्र के बेहतर तरीके से काम करने के लिए जरूरी है कि उसमें असहमति और नाराजगी की गुंजाइश हो और सत्तारूढ़ सरकार पर निगाह हो। लोकतंत्र में सभी मतों और आवाजों का समान पायदान पर रखा जाता है, लेकिन इस बार सही मायनों में एनडीए की सरकार नजर आएगी। पिछले 10 सालों के बाद पीएम नरेंद्र मोदी को पहली बार साझा सरकार चलाने का अनुभव होगा और राजनीतिक तौर पर इसका असर संसद में भी नजर आने वाला है। उम्मीद है कि आने वाले 5 सालों में संसद में सार्थक चर्चा होगी, विपक्ष भी अच्छे मुद्दे उठाएगा और उससे जनता को फायदा होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे सी न्यूज़ भारत।